प्यारे भाइयों, आज बड़े बड़े मॉल से लेकर छोटे छोटे स्टॉल तक खाने पीने की चीजें जहर के साथ दी जाती हैं। इस जहर से हमारे देश के लाखों लोग बीमार हुए हैं और हजारों की तादाद में जाने गई हैं। ये जहर हमें दिया जाता है प्लास्टिक की थैली में। विरोध करने पर सरकार ये प्लास्टिक की थैलियां बैन कर देती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद रिश्वत देकर फिर से चालू करवा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, खाने पीने की चीजों में भी प्लास्टिक का पाउडर मिलाया जाता है। ये सब कुछ होता है माफिया के द्वारा, जिसके हाथों हमारी सरकार बिकी हुई है। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसकी जान ले ली जाती है। फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने बच्चों को, अपने समाज को इस जहर से बचाने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर इनके खिलाफ खड़ा होना है, इनके खिलाफ मोर्चा खोलना है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा धर्म है और यही हमारा ईमान है। जिम्मेदारी क्या होती है ये मुझे पता ही नहीं है, इसलिए माँ बार बार मुझे समझाती रहती। मैं बच्चों जैसी हरकतें करता रहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि तू अब बड़ा हो गया है, सुधर जा, कल ये सारी जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी है। एक दिन मेरी माँ सेब के बगीचे में काम करने वालों के साथ काम कर रही थी, मेरे मामा के सेब के बगीचे में, वो सुपरवाइजर का काम करती है। ठीक है, चल। ए विमला, जरा काम जल्दी कर, ट्रक कल सुबह आ रहा है लोडिंग के लिए। सब माल ट्रक में जाएगा माँ? हाँ बेटा। सुबह तक ये सारी सेब कैसे तोड़ पाओगी माँ? पूरे सेब तोड़वाने हैं, ऐसे तेरे मामा ने कहा है। मामा को और कुछ काम ही नहीं है। क्या बात है भांजे, क्यों चिढ़ रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो। दिन रात मेहनत करके चार पैसे कमाऊंगा, तभी तो तेरी शादी धूमधाम से करवाऊंगा। सपना ही देखते रहिए भैया, लड़की तभी देखेंगे ना जब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा। दिन रात ये बंदरों जैसा उछलता रहता है। फिक्र मत करो बहना, देखना सब ठीक हो जाएगा। त्रिशाला एस्टेट फार्म एक बहुत अच्छी फैमिली है, उनकी एक लड़की है, वो बहुत ही सुशील और सुंदर है। बहुत साल पहले वो भी साउथ से यहाँ आके सेटल हो गए थे। अगर तुम हाँ करती हो तो मैं जाते समय रास्ते में ही उनसे रिश्ते की बात करता हुआ चला जाऊंगा। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, उससे पूछ लीजिए, ये तो वो ही बता सकता है। तेरी क्या राय है बेटा? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सुन तो, कहाँ जा रहा है? माँ मुझे नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ, सोना है। ये क्या है, अभी अभी उठ कर आया था ना, फिर से नींद आ रही है, देख लिया ना भैया? जब देखो ये मेरी बातों का अनसुना करके निकल जाता है। ठीक है इधर उधर कहीं जंगल भटकने मत जाना, सीधा घर जाकर सो जाना। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। जंगल में एक भैंस आया हुआ है। किसने देखा? मेरे भैया ने देखा और इसे भी देखना है। हाँ मुझे भी देखना है। ऐसा क्या, चलो फिर बेबी को भी दिखाते हैं। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। हम लोग एप्पल के बगीचे से चुपके से अंदर से होते हुए दूसरे जंगल में पहुँच गए। हम लोग किसी को बताए बिना जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे। नया नया वहाँ जो भी आता है वो अक्सर मेरे साथ ही जाता है, हम लोग सब साथ में एंजॉय भी करते हैं। चलते चलते हम लोग उस जंगल तक पहुँच गए जहाँ शेर रहता था।
उस जंगल में घुसना कोई मामूली बात नहीं है। उस जंगल का रखवाला एक सांड है जिसे हम लोग जंगली हाथी के कर पुकारते हैं। वो बहुत ही गुस्से वाला है। उससे नजर चुरा कर हम लोग गुजर ही रहे थे कि बच्ची को ठोकर लगी तो वो गिर गई। अरे वो क्या चलो जल्दी भागो पीछे मत देखो चलो संभल के। बाप रे जंगली हाथी वो इधर ही आ रहा है। बाप रे भाग मत। अरे बच्चे हम लोग दिखाई दे रहे क्या? उस जंगली सांड से बचते बचते मैं देखी बिना ही मिलिट्री कैंप के अंदर घुस गया। इलाके के मिलिट्री कैंप में अक्सर फायरिंग की ट्रेनिंग होती रहती थी। नए नए ऑफिसर्स वहाँ आते रहते हैं। मैं गलती से उस कैंप में घुस गया और उस वक्त वहाँ पर फायरिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। तभी एक ऑफिसर ने मुझे देख लिया। ए, कौन है? रुक जाओ। स्टॉप फायर। ए, बेवकूफ, कौन है तू? पागल हो गया क्या? बाद में गार्डन साफ करेगा। देख पहले फ्लोर साफ कर, जल्दी कर, तब तेरी अकल ठिकाने पे आएगी। आइंदा तू कभी ऐसा नहीं करेगा बेवकूफ। उस दिन मैं बच्चों की बात नहीं मानता तो मुझे वो सजा नहीं भुगतनी पड़ती। तभी एक और ऑफिसर ने मुझे देख लिया। हे, मेरे दोस्त राजा, ए, तू यहां कैसे और यहां क्या कर रहा है? सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए, क्यों झूठ बोल रहा है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। मेरा नाम शिवा है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं और मेरी माँ मामा के बगीचे में काम करते हैं। मुझे ये काम करके तुरंत घर जाना है सर। बड़ी अजीब बात है यार, मेरा एक दोस्त है बिल्कुल तेरे जैसा, उसका नाम है राजा। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, बिल्कुल तेरी तरह ही दिखता है। तेरे रंग में और उसके रंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ बिल्कुल तेरी तरह है। सच में मेरे पास उसका वीडियो भी है, देखेगा? ये ले देख, ये फर्स्ट ईयर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वीडियो है। This is Raja. बिल्कुल मेरे जैसा है। कॉलेज में राजा ही बॉक्सिंग का चैंपियन था। उस दिन वो मैच जीतने ही वाला था कि बीच में बेटिंग शुरू हो गई। अरे जल्दी लाओ, 50 का 100, 100 का 200, चलो चलो। ये है रीमा और ये है वहाब। से निकल गया तो इतना फील क्यों कर रहे हो? अरे छोड़ना यार, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया ना, उसी के सेलिब्रेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, एंजॉय करो। मेरे हाथ से खिताब गया तो क्या हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये हजम नहीं कर पा रहा हूँ कि रमेश ये सोच रहा है कि वो सच में जीत गया है। ए, तू ये सब सोचते भाई, मुझे पीने दे। अरे सारी मत पी। बियर वहाब की जान है। राजा, रीमा, वहाब, इन तीनों ने मिलकर एक मस्केटियर गैंग बनाई और उस गैंग में मैं भी था। और इस गैंग के अलावा एक और गैंग थी, एनिमी मर्डर गैंग, और उस गैंग लीडर का नाम था कराटे दुर्गा। ये दोनों गैंग मिलकर ना ही कोई लफड़ा करते थे और ना ही किसी को लफड़ा करने देते थे, बिल्कुल मजे में रहते थे।
कॉलेज क्लासेस बोर करे जब। कॉलेज में हमारी बैच नंबर 1 पर थी, लेकिन कुछ लड़के पाया लागू। जीते रहो। माँ कैसी है? वो ठीक है। अच्छा जाओ। वैसे सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लव मैटर में हम बहुत ही पीछे थे। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई हूँ। वो वैसा नहीं है, उसका खानदान अमीर है, पैसे वाले हैं। उन लोगों के सामने मैं क्या कहूँ? उसके माँ बाप शादी के लिए मानेंगे क्या? मतलब तुम्हें मंजूर है, यानी तुम प्यार करती हो? वाह, हे वाहब, याओ। कंग्रेचुलेशन। वाहब के परिवार वालों को मनाना मेरा जिम्मा है, तुम डरो मत, ओके? मैं संभाल लूंगा। ए, तू नजर क्यों चुरा रहा है? हाँ, पागल कहीं का, ये तुझसे प्यार करती है यार तो आज बियर पार्टी हो जाए। तुम नहीं पियोगे। अच्छी बात है, खुश रहो। इसीलिए कह रहा था, इस तरह की ड्रेस पहन के बताया करो। देखो ना, ये भी अलवी बोल रही है। आई लव यू टू। लेकिन एक फ्रेंड की तरह। hey, यहाँ देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, मेरे जैसा लल्लू पंजू लड़का नहीं। लेट्स बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है? पढ़ाई खत्म होने के बाद पार्ट टाइम जॉब की तलाश में दिन भर भटक कर शाम को सभी टी स्टॉल पर मिलते थे। तभी हमारे ग्रुप के एक लड़के को सीनियर्स ने मारा और ये बात राजा को पता चल गई। तुम कहाँ आ रही हो? राजा कैसे मारता है मुझे भी देखना है। ठीक है चलो। राजा को फाइट करते हुए देखना हर कोई पसंद करता है, भले ही वो फर्स्ट ईयर का चैंपियनशिप हार गया हो। उसके बाद भी वो हमारे कॉलेज का सचमुच का बॉक्सिंग चैंपियन था, क्योंकि उसकी लड़ने की स्टाइल ही वैसी थी। तुझे मारा किसने? इसने मारा था। क्यों मारा इसे? मारा क्या कर लेगा, बार बार ही हमारे खेल के बीच में आ रहा था, दोबारा आएगा तो फिर मारेंगे। इस साल तुम लोग पास होकर यहाँ से चले जाओगे, तुम्हारी जगह हम लोग आ जाएंगे। जब तुम लोग अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए यहाँ आओगे तो यही जूनियर तुम्हारी धुलाई करेगा। ए, क्या वे इतना भाषण क्यों दे रहा है? हाँ मारा, क्या कर लेगा? तू मारेगा तो हम चुप बैठेंगे क्या? बकवास बंद कर। ए भाई, ये हमारे कॉलेज का किक बॉक्सिंग चैंपियन है। ए, इसे बॉक्सिंग रिंग समझ रखा है? ए, चाकू दे रे, खड़े खड़े चीर दूंगा। तुम सब पीछे अच्छा पढ़ने आते हैं, सीनियर जूनियर करने नहीं। एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले कितने लोग एक ही जगह पर काम करते हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहते हैं। एक्चुअली जूनियर्स की लाइफ को बिगाड़ने में हाथ होता है तुम जैसे सीनियर्स का ही, ऐसा करना छोड़ दो। उसी दिन की तस्वीर है ये। ये कैमरा उसी ने तोड़ा था, बाद में मैंने रिपेयर करवाया। तुम जरा सामने आ जाओ, तुम्हारे भी कुछ फोटोज निकाल लो।
हर कोई कहीं ना कहीं काम धंधे में लग गया है और मैंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। सुना है उनका मस्केटियर गैंग आज भी एक साथ ही है, और ये भी सुना है कि राजा और रीमा एक ही जगह पर काम करते हैं। वहाब ने अपनी शादी में मुझे इन्वाइट किया था लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो फिर राजा और रीमा की शादी हो गई? पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है रीमा राजा से प्यार करती है, लेकिन वो करता है या नहीं ये नहीं पता। रीमा ने फ्रेंडशिप के आगे राजा का नाम लिखा था और लव के आगे नथिंग बट फ्रेंडशिप ऐसा भी लिखा था। अभी उन दोनों ने शादी की है या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर की होगी तो वो जरूर भोपाल में ही सेटल हो गए होंगे, क्योंकि भोपाल में रीमा के पिता का ऐश्वर्या टेक्सटाइल नाम का एक शोरूम है। राजा के पिता एक एक्स सर्विसमैन है, चेन्नई के कलेक्टर ऑफिस में इस वक्त ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं। वहाब के पिताजी का चेन्नई में बिरयानी का रेस्टोरेंट है। सभी अपनी जगह वेल सेटल फैमिली है। मुझे उम्मीद है सभी लोग खुशी से रह रहे होंगे। सर वो राजा की वीडियो क्लिप को मुझे दोबारा दिखा सकते हैं क्या? मुझे इस वक्त अर्जेंट पेट्रोलिंग पर जाना है, दोबारा मिलने पर मैं इसका तुम्हें कैसेट बनाकर दे दूंगा। सर मैं अगले हफ्ते आऊं क्या? हे बिल्कुल। क्या हुआ? वो मैं गिर गया था, जरा सी चोट आई है। ओके देन, टेक केयर। ठीक है। उस दिन वो वीडियो देखने के बाद मेरे जैसा कोई और भी है ये बात अपनी माँ से कहूँ या नहीं, इसी उलझन में पड़ा था। जब देखो तो कहीं ना कहीं चोट लगा कर ही आता है, अकल है भी या नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। शादी करके अपने बीवी को घर लाएगा तभी मुझे आराम मिलेगा ना। हाँ, तब तक कहाँ। देख बेटा, तेरी इस माँ को तेरे सिवा और कोई सहारा नहीं है बेटा। माँ, बस वो वीडियो वाली बात ही मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हुआ बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? पता नहीं मेरी नींद कहाँ गायब हो गई, कब नींद आएगी कब जागूंगा मुझे इसका जरा भी होश नहीं था। एक दिन मेरे मामा मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म दिखाने के लिए ले गए, पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त नींद आ गई। हमारे गांव के बगल वाले गांव में अक्सर त्योहार होता रहता है, वहां का उत्सव देखने के लिए मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ वहां जाया करता था। हे छोटू, जल्दी से चलकर कहीं बैठते हैं। हम जाके बैठ गए और नाच गाना शुरू हुआ, और तभी त्रिशाला एस्टेट में मेरे लिए लड़की देखने गए थे। आप मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे बार बार नींद के दौरे पड़ने लगे थे, और ये तब से शुरू हुआ जब से राजा का वो वीडियो देखकर मेरी नींद ही गायब हो गई थी। मेरा दिल उससे जाकर मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, जंगल की ओर जाना मानो भूल ही गया था, बस ख्यालों में खोया रहता था। माँ को बताऊँ या नहीं फैसला नहीं कर पा रहा था। मैं माँ को बिना बताए उससे मिलने जाने का फैसला कर चुका था। उत्सव देखना। आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे अपने घर से निकलने का फैसला करना पड़ा। माँ के तकिए के पास एक लेटर छोड़कर चुपचाप निकल गया। जहां तक मुझे याद है मेरी माँ से आज तक मैं एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुआ हूँ। मेरे जैसा ही कोई है ये बात सच है या झूठ ये मुझे पता नहीं है, उसके बावजूद मैं उससे मिलने के लिए घर से निकल पड़ा, वो भी अकेले। मुझे लगा था वो जगह भी हमारे गांव जैसी ही होगी, जंगल बाग बगीचे वगैरह। मैं आधी रात को पुलिस स्टेशन जंगल के रास्ते के किसी तरह वहां पहुंचा। क्या बक रही हो, चुप रहो, मैं आ रहा हूं, यहां से निकल चुका हूं, पहुंच जाऊंगा, टाइम पे पहुंचूंगा, चल फोन रख। सर ये ट्रेन चेन्नई जा रही है ना? हाँ भाई, आज पूरी रात चलेगी, कल चलेगी, परसों जाके सुबह पहुंचेगी, 36 घंटे ट्रेन में ही सड़ना पड़ेगा। वो क्या कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, बस किसी भी हालत में चेन्नई पहुंचना था।
चलो ये तो गया। रीमा के पिता ने भोपाल में ऐश्वर्य टेक्सटाइल नाम का एक शोरूम खोला है। भाई साहब, ये ऐश्वर्य टेक्सटाइल कहाँ पर है? मेरा मतलब वो कौन सी जगह पर होगा बता दीजिए। वहाँ सिटी मार्केट में। भैया ये सिटी मार्केट कहाँ है? भैया यहाँ पे रीमा मैडम है क्या? तू कौन है? मैं उनका दोस्त हूँ। वो अपने पिताजी के साथ मंदिर में गई हुई है। मेम साहब, तुम यहाँ भी चले आए? अरे मेम साहब सुनिए, कोई बात नहीं करनी, इसलिए मैं अपने गांव चली आई। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी है। अरे मेम साहब, घर वाले देखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। वही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेम साहब क्या लगा रखा है? आप समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। माँ जी आप मेरी बात सुनिए, मैं वो नहीं हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से, प्लीज मैं संभालूंगी। डैडी मामा प्लीज लेके जाइए ना डैडी को यहाँ से, लेके जाइए। तो मुझे ये बताओ, मुझे मेम साहब क्यों कह रहे हो? मेम साहब देखिए, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम शिवा है, राजा नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। आपके कॉलेज के शंकर सुब्रमण्यम मिलिट्री कैंप में आए हुए हैं। उन्होंने आपके और राजा के बारे में सब कुछ बताया है, और वहाब के बारे में उन्होंने मुझे एक वीडियो भी दिखाया है, इसलिए मैं राजा से मिलने आ गया हूँ। आप राजा से मिलना ही नहीं चाहती, ऐसा क्यों कहा आपने? और आप दोनों के बीच कोई अनबन चल रही है क्या? तुम बिल्कुल राजा जैसे दिखते हो, मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है। देखिए आप मेरी बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं। आपके और राजा के बीच क्या अनबन चल रही है कि आपको उसकी सूरत से भी नफरत हो गई है? मैं और राजा चेन्नई में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन पापा को इस बात का पता चल चुका था कि हम लोग चेन्नई में एक ही हॉस्टल में रहते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। पढ़ाई के बाद वो जहाँ जॉब करता था, मैं भी वहीं जॉब करने लगी। अरे ये सब छोड़ो, शो का टाइम हो गया है, चलो। देयर आर नो सीक्रेट बिटवीन अस, हर बात शेयर करते थे, कोई भी बात एक दूसरे से छुपाते नहीं थे, चाहे नौकरी के बारे में हो या खाने के मामले में, मिलकर डिस्कस करते थे। हम लोगों ने एक किराए का फ्लैट लिया था, खुद के बारे में कम लेकिन दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते थे। वो कभी किसी की नहीं सुनता था, बस अपनी ही चलाता था। यही अनबन की पहली वजह थी। मैं, राजा और वहाब अच्छे दोस्त थे, हम तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था। यू नो व्हाट, पता नहीं कब कैसे मेरी फ्रेंडशिप राजा के प्यार में बदल गई। मैं उससे प्यार करने लगी। वो जब मेरे सामने रहता था, मैं सबसे ज्यादा खुश होती थी। राजा ने मुझे सरप्राइज दिया था। कौन? डैडी, वन सेकेंड। हाँ ठीक है, ठीक। हाय डैडी। मुझे फोन पर बर्थडे विश करने के बाद डैडी ने मेरी शादी के बारे में मुझे बताया। मैंने राजा से बात की। डैडी राजा की फैमिली से बात करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं खुद राजा के दिल में क्या है ये जानना चाहती थी, इसलिए उसे आई लव यू कहने के लिए मैं गुलाब लेकर उसके पास गई। हे, तुम कुछ खास बात करना चाहती थी ना, अब खामोश क्यों? बताओ क्या है, बताओ ना। मैं बस अपने प्यार का इजहार करने ही वाली थी, तभी एक्सक्यूज मी। हे, आई एम सो सॉरी। ठीक है बाबा, कोई तो वो माला मुझे दो। ये लो, और ब्लैक कलर भी दो।
जल्दी। ओके, आराम से इसे चेहरे पर लगाओ। ए, चलो ना यहाँ से। रुको, देखें तो वो क्या कर रही है। आराम से। ये कैसा भेष बना रही है। ठीक से लग गया। हाँ, हाँ। इतनी क्यूट है ना। तुम भी तो। कैसी लग रही हो? बिल्कुल भूतनी जैसी हाँ, लग रही है। भूतनी। ये क्या तमाशा है? ये कोई तमाशा नहीं है, जहरीली चीजों पर चलाया जा रहा एक अभियान है। सर वो लड़की कौन है? ये सारी लड़कियां कॉलेज की स्टूडेंट हैं। जो काम देश के बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते, वो ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ये चाहे तो कुछ भी बदल सकते। नेताओं ने घोषणा की है ना कि इसका हल निकालेंगे, फिर इस मोर्चे की क्या जरूरत है? सारे नेताओं का दोहरा चेहरा है। हमारे देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये उन्हें नजर नहीं आ रहा है। सबके सब रिश्वतखोर हैं। जो अपने देश के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो क्या फैसला करेंगे? नौजवानों के लिए क्या खाक योजनाएं बनाएंगे? जहर फैलाने वाले माफिया का खात्मा होना ही चाहिए, और ये एक न एक दिन होकर रहेगा। उनके खिलाफ हमारा ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आगे जाने की परमिशन नहीं है। इसी में कि यहां से वापस चल जाओ। एक्सक्यूज मी, क्यों कर सकते हो? वापस जाओ, वापस जाओ। आप लोग कौन से कॉलेज के हैं यार? चाहे जो लड़की हो वो बस अपनी अदाएं ही दिखाती रहती है, लेकिन वो सबसे अलग है यार। कॉलेज को मिस करके सिनेमा हॉल जाने के बजाय सोशल कॉज को अपना वक्त दे रही है यार, वो तो मेरे दिल को भा गई। जब से आया हो तब से 500 बार ये बात सुन चुकी हूँ। तुमसे कुछ कहा क्या? अपने दोस्त से कह रहा हूँ, जाओ। यार ये भी तेरी तरह है और तू भी बिल्कुल इसी की तरह है, लगता है दोनों सेंचुरी पार करोगे। तुम लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो ना, तुम लोगों से तो दुश्मन अच्छा है। दिखने में लड़की अच्छी होनी काफी नहीं है, उससे पाला पड़ेगा ना तब पता चलेगा वो कैसी लड़की है। हाँ यार, उससे मिलूंगा तो पता चलेगा। अनजान लड़की को ढूंढने हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, बस स्टॉप पर मिलती तो हम पता लगा लेते। मीना ऐसी बात करते हो जैसे तुम उसे जानते हो। उसे देखते ही मैं जान गई थी वो तुम्हारे फैमिली के लायक नहीं है। जब देखो मोर्चा आंदोलन इधर उधर भागती रहेगी, तुम उसके पीछे भागते रहोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी तो तूने कहा था उससे मिलूंगा तो पता चल जाएगा, फिर तू मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है, है? वैसे तेरा काम तो किचन में है ना, जा पकड़, जा 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 जा, ए, जाना, जा। यार यार अब नया आंदोलन कहाँ होने वाला है पता चल गया तो उसका भी पता चल जाएगा। इसके लिए कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, क्या किया जाए? पहले आंदोलन कहाँ चलने वाला है ये पता लगाना चाहिए। इसके लिए हमें रोड के बगल लगे फिल्म के पोस्टर्स ही नहीं दिखना है, बल्कि हमें आंदोलन से जुड़ी जानकारी के पोस्टर्स भी दिखना है। उसे पढ़ के हमें उसका पता चल जाएगा। कोई भी पैम्फलेट बांटेगा तो हम उसे लेकर पढ़ेंगे। नाम और तो वाली बीमारी है क्या? तू फिर चुप कर पागल की। फिर हम रोजाना ट्रेन में घूमने लगे और उसमें चिपकाए हुए पैम्फलेट को पढ़ने लगे। उसके बाद हम कई आंदोलन में शामिल। इतना ढूंढने के बावजूद भी वो हमें कहीं नहीं मिली, इसलिए हम लोग भी आंदोलन के मैदान में कूद पड़े। सर 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 एक मिनट रुकिए सर, आंदोलन खत्म हो गया सर? कावेरी का पानी तो अभी तक नहीं है, बारिश तो आ गई ना। तो अगला आंदोलन कब है सर? अगले साल पानी मिला नहीं, बारिश आते तुम लोग रंग बदल दिए। अरे छोड़ ना यार, ये आंदोलन वांदोलन दिखा हुआ है, मुझे वो लड़की मिलने से इन लोगों को क्या फायदा होने वाला है? चल अब चलते हैं, यहाँ सब मतलब का ही खेल होता है। खाने वाली कोई भी चीज स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम के बर्तन में ही ले, अगर उसे रखना भी है तो उसी बर्तन में रखिएगा। उदाहरण के तौर पर तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में या फिर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करने से बीमारियां होती हैं, जैसे कि कैंसर, अल्सर, जेनेटिक डिसऑर्डर, विजन फेलियर, स्किन प्रॉब्लम और न जाने कैसे। जरा पानी दीजिए। ये तमाशा तू भी देख ले, अमीर लोग तो प्लास्टिक के बोतल में पानी पी सकते हैं, लेकिन ये गरीब लोग प्लास्टिक के हंडे में पानी नहीं रख सकते। हमारे गांव में ऐसा कोई नाटक नहीं है यार। सिर्फ इतना ही नहीं, वाइन शॉप में शराब पीने के लिए प्लास्टिक का ग्लास और उसमें मिलाने वाला पानी भी प्लास्टिक के ग्लास में। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो वहाँ भी गरम गरम इडली प्लास्टिक के प्लेट में ही मिलती है, उबलता हुआ सांभर भी उसी में डाला जाता है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है साहब। आपने एक फिल्म में कॉमेडियन का काम किया है ना, आप वही हो ना? हाँ, मैं तो वही हूँ। देख लिया भाई, फिल्म लाइन वाले भी रास्ते पर उतर आए हैं, लेकिन वो लड़की कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मैं भी प्लास्टिक का धंधा करता हूँ, यहाँ पर भी कहीं नजर नहीं आ रही है। सुनो, तुम पूछोगे किसने बुलाया तो मैं कहूँगा मैं नहीं बुलाया है। यहाँ के इंचार्ज तुम हो क्या? कॉन्डम का विरोध करने के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चों को यहाँ लाके बिठा दिया, ये गलत नहीं है क्या? ए,
इतना चिल्लाओ मत यार, इसमें ज्यादा से ज्यादा बालिग हैं और सब जानते हैं। हमारे जमाने में शादी से पहले सेक्स के बारे में बात करना गलत माना जाता था, और आज के जमाने में कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का हो या लड़की, सब इसका प्रचार कर रहे हैं। हे ईश्वर, कैसा जमाना आ गया। आपके जमाने में इन चीजों की जानकारी नहीं दी जाती थी, इसीलिए हमारे देश का आज ये हाल है। ओह आई सी। अच्छा टेल, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। तुम्हें तो टीवी में 20% औरतों को अनपढ़ कहा था। तुमने वो प्रोग्राम देखा था क्या? मैं तो बस उबर गया। मेरा बाजा। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो। मैं आपको आगे तक छोड़ने में मदद करूं। थैंक्स थैंक्स। देखो ना कितना वक्त हो गया, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा यार। हम लोग बेकार में पागलों की तरह भटक कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं वो मिलेगी भी या नहीं। आज इवनिंग में म्यूजिक एकेडमी में एक सम्मेलन होने वाला है, वहाँ चलना है रीमा। ए लिसन, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। बेकार में ये भटकना वेस्ट है, पता नहीं वो कहाँ होगी। सर फटा जा रहा है मेरा और रंग भी काला हो गया। देख यार, हम लोग बस आखिरी बार जा रहे हैं वहाँ। अगर वो वहाँ भी नहीं मिली तो मैं दोबारा नहीं कहूँगा। ओके, आज शाम को शीला की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं वहाँ अकेली नहीं जा सकती। मैंने उससे वादा किया है कि हम दोनों साथ में आ रहे हैं। भाभी भी अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। हाय, नूरी कहाँ है? She's pregnant. Oh my God! Oh my God! Congratulations यार, मैं तो चाचा बन गया, मैं बहुत खुश हूँ यार। Thanks, I'm so happy for you. Thanks. Hey सुनिए, रक्षा, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? अरे वो येलो सूट में। इस पार्टी को लेकर वो लफड़ा तो नहीं करेगी ना? अरे नहीं रे, वो मेरी असिस्टेंट की फ्रेंड है। एक्चुअली यहाँ सभी लोगों को ड्रेस मिल गया है ना, लेकिन उसे नहीं मिला है। इसके लिए इतना बड़ा डिस्कशन यार। अरे अरे बन सके ना। हे हाय हाय, क्या बात है, तुम्हारे फ्रेंड को ड्रेस चाहिए क्या? हाँ यार, सो सैड। फिक्र मत कीजिए, वहाँ आपकी वाइफ आपकी साइज की है। आपकी कमर की साइज, आई मीन पैंट का साइज 30 होगी ना? 28। वही तो आपका टॉप मतलब शोल्डर एक्सेल एल मीडियम? हाँ वही तो हे ये क्या है? हॉलीवुड मेनिया। ओके खैर छोड़िए वो सब। तो वहाँ की वाइफ की ड्रेस आप पर सूट हो जाएगी, उसे मंगवा दूं क्या? नहीं नहीं जरा चुप करना, आप ले आइए ना प्लीज। ठीक है, जाने यार जल्दी लेके आ। जा जा, नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा। यार पैंट का साइज 28, टॉप मीडियम। ओके, अरे मेरे घर में कहाँ है यार? तो जाके दुकान से खरीद ले यार, जब देखो तब मेरी जेब खाली करवाता रहता। अरे तू अपनी भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकता यार। पैसे कहाँ है? बिरयानी बेच के जो पैसे मिले थे। छोड़। हे सैंडी, पार्टी का टाइम हो गया यार, तू जा स्टार्ट कर। जा जाना, ये ड्रेस लाकर दे देंगे, वो मैं संभालूंगा, तू जा जा। ओके बाय। हम लोग कुछ देर यूं ही बात करें, आइए। ओके, इससे पहले मैंने कभी ऐसी पार्टीज अटेंड नहीं की हैं, तो ऐसी पार्टीज में कैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए मुझे? तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा? हाँ दरअसल, हे रीमा, इन्हें हम पहले कहीं देख चुके हैं ना? हाँ, उस रैली में भूतनी के रूप में। हाँ, शायद वहीं आप लोगों ने देखा हो। उसके बाद मैंने आपको कहीं किसी आंदोलन में देखा था। और कौन सा आंदोलन? आई मीन कावेरी इशू, नो प्लास्टिक, एचआईवी अवेयरनेस। सोशल वर्कर कामराज जी के हर एक आंदोलन में मैं हिस्सा लेती रहती थी, उनकी डेथ के बाद मैंने किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ओके, हे दिस इज रीमा। हाय रीमा। हाय, आप? आम पल्लवी। हाँ, पल्लवी, थर्ड ईयर लॉ इन चेन्नई लॉ कॉलेज। हे शीला, तुम्हारा वेट कर रही होगी, जाओ। हाँ? गो, जाके पार्टी स्टार्ट करो, बेकार का टाइम वेस्ट मत करो। हमारी वजह से किसी और का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। गो। पहले कभी ऐसी पार्टी अटेंड नहीं की है, पहली बार ऐसी पार्टी में आई हूँ, पता नहीं एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं। आई एम क्वाइट नर्वस। अरे ये क्या, आप क्या बात कर रही हैं, क्यों नर्वस हो रही हैं? ये ले। थैंक्स यार। थैंक यू। नाइस, थैंक्स। ये तो घर से लाया हुआ नहीं लग रहा है, इसमें तो प्राइस टैग भी लगा है। देखा ना कैसे पहचान लिया। एक्चुअली इनकी फैमिली कंजूस फैमिली है, नई ड्रेस लाकर ऐसे रख देते हैं शादी या त्योहारों में पहनने के लिए। ठीक है, मैं पहन कर देखती हूँ, पता नहीं मुझ पर कैसा लगेगा। देखो पल्लवी, मैं आपके साथ हूँ, यहाँ कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, हम सब संभालेंगे। ओके, मिले ले दो। No.
ए रीमा, क्या हो गया? बिना मतलब के हम पागलों जैसे यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हैं यार? मैं अकेला जाऊंगा तो वो सोचेगी मैं उसे लाइन मार रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को साथ लाया हूँ। यू नो एटमॉस्फेयर। वो इस कॉलेज में नहीं, किसी दूसरे लॉ कॉलेज में पढ़ती होगी। इस शहर में सिर्फ एक ही लॉ कॉलेज है, सिर्फ ये, समझा? ऐसा क्या? हाँ बोलो। 9444847। तुम इन सबसे मिलकर आ जाओ। मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। आप लोग यहाँ कैसे? आप इसी कॉलेज में पढ़ती हैं क्या? मैंने आपसे कहा था ना मैं लॉ कॉलेज में पढ़ती हूँ। अरे हाँ, लॉ कॉलेज तो बताया था, पर कौन सा ये नहीं बताया। चेन्नई में एक ही लॉ कॉलेज है। उत्तरी, क्यों यार, हमें तो ये पता ही नहीं था। हाँ ना, पता ही नहीं था। खैर छोड़िए, ये बताइए आप लोग यहाँ कैसे? बस यूं ही हवा खाने के लिए आए हैं, एटमॉस्फेयर प्रॉपर्टी बनकर। क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। देखा, दोनों ही झूठ बोल रहे थे और पकड़े गए। एक्चुअली हम लोग यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि रीमा के दादाजी यहाँ आने वाले हैं। वो यहाँ क्यों आने वाले हैं? वो एक केस के सिलसिले में कोर्ट आने वाले हैं। अभी भी केस लड़ते हैं? मैं कुछ मदद कर सकती? अरे नहीं, वो बहुत बड़े इंसान है, वो चाहे तो आपकी मदद कर सकते हैं। उनका नाम क्या है? द ग्रेट एडवोकेट राम जेठमलानी। राम जेठमलानी? Yep. Really? हाँ, वो रीमा के दादाजी हैं। ये रीमा भी नॉर्थ इंडियन ही है, दिख नहीं रही है? एक्चुअली वो एक इम्पोर्टेंट केस के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बात बस राज ही रहे। लेकिन ये राज मैंने आपके सामने खोल दिया। अरे गलती से बोल दिया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो क्या हुआ, सिर्फ मुझे ही तो बताया है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे अपने दादाजी से एक बार मिलवा सकती हो? उनसे एक बार मिलना मेरा सपना है, प्लीज 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 प्लीज। अरे बिल्कुल यार, ऐसे कामों में दोस्त के लिए सबसे आगे रहती है रीमा। पहले आप इस कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लीजिए, उसके बाद असिस्टेंट जॉब में उनके साथ आपको ये आसानी से लगा देगी। यू डोंट वरी। ओके। दादाजी का फोन होगा। वन सेकंड। हेलो अंकल, मैं राजा बोल रहा हूँ। जी हाँ, हम लोग कोर्ट के पास इंतजार कर रहे हैं। हाँ क्या ऐसा हो गया? आपकी फ्लाइट बस अभी भी लैंड हो रही है? ओहो, ओके ओके ओके, ठीक है। दादाजी का केस कल के लिए पोस्टपोन हो रहा है, हमें कॉफी सेंटर में बुलाया है। ओफो, यहाँ की कॉफी पी बिना उनको चैन नहीं पड़ता है। ओफ, बाप रे बाप, अब उनके साथ मुझे भी कॉफी पीना पड़ेगा। मैं भी आपके साथ चलूं? प्लीज, उनसे मिल भी लूंगी, मैं चल सकती हूँ, प्लीज। ओके, लेकिन उनसे लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ ये मत कहना, क्योंकि वो फ्री टाइम में लॉ की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। रिलैक्स होकर बात कीजिएगा। ठीक है, तुम रीमा को साथ में लेके आना, ठीक है? चलो बाय। अंकल को पहुंचने में वक्त लगेगा, उससे पहले कुछ नाश्ता कर लें। मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं क्या बोलूँ? आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी और कहाँ पढ़ाई हुई, आपको क्या पसंद है क्या नहीं है? मेरी एक माँ है और एक पापा। ओह, मेरे भी हैं। मैं पैदा हुई चेन्नई जीएच में। ओह, मैं त्रिचूर के कार्तिकेय मंदिर में। मंदिर में? या? रियली? या। तो आपके घर वालों को आपका नाम कार्तिक, गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सुब्रमण्यम या बाल सुब्रमण्यम ऐसा रखना चाहिए था ना? उन्होंने राजा क्यों रखा? मेरे माता पिता ने फैसला कर लिया था कि अगर लड़का हुआ तो राजा और लड़की हुई तो रानी नाम रखेंगे, इसलिए मेरा नाम राजा रख दिया। लड़का हुआ तो राजा, लड़की हुई तो रानी, इसके पीछे क्या राज है? उन्हें राक्षस ज्यादा पसंद है इसलिए। और अगर उन्हें जा पसंद होता तो अपनी लड़की का नाम जानकी रख देते, है ना? और तुम्हारा नाम जनक पड़ जाता। एक्चुअली मेरा नाम कार्तिक रखते तो ज्यादा अच्छा होता, आपका नाम मेरे नाम से जुड़ जाता। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिए। बहुत वक्त हो गया है, राम आए भी नहीं और आपके फ्रेंड्स भी नहीं आए, मुझे 7:30 बजे मैम से मिलने जाना है। लॉ कॉलेज में भी ट्यूशन चलता है? ट्यूशन के लिए नहीं, वो मेरी मार्गदर्शक हैं। डेली नाइट में वहीं पढ़ती हूँ और वहीं रहती हूँ। लगता है आपका फोन रिंग हो रहा है। हेलो रीमा। झूठ की हंडी फोड़ने के लिए मेरा ही सर मिला था क्या? वो लॉ कर रही है, मैं फिर कह रही हूँ वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्या कहा, तुम घर चली गई और दादाजी भी वहीं आ गए? ये तुम पहले बता सकती थी ना, हम लोग कब से यहाँ कॉफी शॉप में उनका वेट कर रहे हैं। रीमा, you are useless। फोन रखो। So sorry, वो घर चले गए। हम भी वहीं चले क्या? नहीं यार, उन्हें घर पे किसी से भी मिलना पसंद नहीं है। ऐसा करते हैं, कल हम किसी कॉफी शॉप में फिर से मिलते हैं। कौन सी कॉफी शॉप? वैसे यहाँ बहुत सारे कॉफी शॉप हैं। मैं तुम्हें कल 3:30 को कॉलेज से पिकअप कर लूंगा। ओके ओके। हे हाय, आप आ गए? चलें स्पिन सेंटर की कॉफी शॉप में, ठीक 5 बजे वो मिलेंगे। ओह,
अभी भी एक घंटा बाकी है, तब तक क्या करूं? वहाँ सामने एक बुक शॉप है, रीमा के लिए एक बुक भी लेनी है तो वहाँ चलते हैं। आप कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? समथिंग इंटरेस्टिंग, रीमा ने वो बुक लाने के लिए कहा था। ओह, दे हैव कैटेगरीज लाइक लिटरेचर, फिक्शन, साइंस फिक्शन, लिटरेरी फिक्शन, रोमांस, साइंस, क्लासिक, फैंटेसी, रिलीजन, हेल्थ, ह्यूमर, एजुकेशन एंड करियर, बिजनेस, दे आल्सो हैव बायोग्राफीज, हिस्ट्री आल्सो। या या, आई नो। ग्रेट। रीमा ने कौन सी बुक कहा था? शायद मैं भूल गया। पल्लवी, हाँ? तुमने ये बुक पढ़ी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ ऑटोबायोग्राफीज। ये बुक सभी जगह नहीं मिलती है, इसे बहुत बड़े राइटर ने लिखी है, इसमें उनकी आत्मकथा है, पढ़ के देखो, इंटरेस्टिंग है। ओके, आई विल ट्राई। ठीक है। रीमा ने यही बुक लाने को कहा था। बॉस, रीमा को ऐसी कहानियां बहुत पसंद है। सर, ऐसी किताब तो इस दुकान में नहीं है। मैंने इसे यहीं से लिया है। सर, इसका स्टॉक ही नहीं है। हेलो, इसका बिल बनाते हो कि मैनेजर से कंप्लेन करूं? हैं? यहाँ क्या उल्लू बना रहा था मुझे? मैं जानता हूं। इस किताब को मैं लेके रहूंगा। तो यहाँ पर कोई आया ही नहीं। लड़कियाँ तो इस बुक को दुकान में देखते हैं, अवॉइड करते हैं। अरे, मैं बिल बना रहा हूँ सर। हाँ, ठीक है बनाओ। हेलो, हाँ, ओह ऐसा क्या? ठीक है दादाजी, ओके। अभी दादाजी से बात हो रही थी, उन्हें कुछ अर्जेंट काम है, वो कल मिलने के लिए बोल रहे हैं। कल भी कोई बहाना तो नहीं बना लेंगे? आज का दिन एडजस्ट कर लीजिए, मैं कल जहाँ बुलाऊंगा वहाँ जाएंगे, या फिर आप ही बता दीजिए कहाँ मिल सकती हैं, मैं उन्हें वहीं ले आऊंगा। ठीक है, मैं कल बताती हूं। ओके, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं ना, आइए। यही है आपकी पसंदीदा जगह? लग रहा है कि यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। यहाँ किसी कॉफी शॉप में, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? अंदर चलो, पता चल जाएगा। मैंने इस आपको मैसेज कर दिया है, वो जरूर आएंगे। बैठिए। सच में जी? अरे बेटी, मेरे फ्रेंड हेमा मुझसे मिलने के लिए आई है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। पापा तेरे लिए कपड़े लाए हैं, जाते समय ले लेना। मैं जाती हूँ बेटा। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी यही काम करते हैं। वो मुझे एक बड़ा वकील बनाना चाहते हैं, उनकी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, मैं उनके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुँचा सकती। पल्लवी। मेरे पापा। नमस्ते। ये ले बेटा। थैंक्स पापा, इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत है? कॉलेज जाती है बेटा, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के जाए। ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे काम। ओके पापा, बाय। मैं बड़ी वकील बनूं या ना बनूं, एटलीस्ट किसी नामी वकील को असिस्ट भी कर लूं तो मेरे माँ पापा खुश हो जाएंगे। क्या हुआ, अभी तो बहुत बड़बड़ा रहे थे, अचानक खामोश हो गए? मैंने आपसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। एक्चुअली राम रीमा के दादाजी नहीं है। वो बातों मैं पहले से जानती हूँ। जब आप मुझे पहली बार मिले थे और रीमा के नॉर्थ इंडियन होने की बात कही थी, तभी मुझे आपके ऊपर शक हो गया था। और इस बुक को लेके जो आपने बुक स्टोर में झूठ कहा, उसके बाद तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि आप झूठ ही कह रहे हैं। देखिए, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। मेरे पेरेंट्स का सपना ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। उनसे मिलने के बाद ही आपको पता चला होगा कि मैं किस फैमिली से हूँ। ये लीजिए आपकी बुक। मुझे भी और लड़कियों के जैसे बहुत से शौक हैं, इसीलिए मैं उस दिन पार्टी में भी आई थी, लेकिन मेरे लिए मेरा फर्ज अहम है। ओके भाई, अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ये सब मुझे पसंद नहीं है। प्लीज, मेरी माँ आ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसे भूल जाओ और अपना काम देखो। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, आज नहीं तो कल उसे शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, तो मुझसे क्यों नहीं कर सकती? तब तक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना। हे रीमा, उधर देख। वन सेकंड। देख, कहाँ जा रहे हो? अरे रुक ना। ए, जा रहे। मेरी वजह से अगर आपके दिल को ठेस पहुंची हो तो I'm sorry। चलो।
क्या तू? मुझे दारू पी के अपनी औरत को मारता है, वो कंप्लेंट लिखवा जाती है। सर इसका डेली का यही रूटीन है। ठीक है, बंद करो। अच्छा आपका लफड़ा क्या है? वो लोग आपके पीछे क्यों पड़े थे? उनसे तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं सर, किसी से दुश्मनी नहीं है। वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उनको पहचान सकती हो? पहचान लूंगी सर। सर मैं भी उन्हें पहचान सकता हूँ। तुम लोग मेरा नंबर लेकर जाओ, अगर कहीं वो नजर आए तो तुरंत मुझे फोन करके बता देना और जाते जाते कंप्लेंट लिखवा देना। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं रहने दो, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ऑटो बाय बाय। राजा बोलो। थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके भाई। पल्लवी तुम रीमा के साथ ऑटो में जाओ, मैं बाइक से तुम्हें फॉलो करता हूँ। रीमा उसके साथ जाना प्लीज प्लीज। बोलिए मैडम कहाँ चलना है? अरे मैडम बोलिए ना, आप तो छुपा है, कहाँ चलूं? चल सकती हूँ। जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरा दिल टूट गया। उसके बाद से मैं उन दोनों के बीच से हट गई, क्योंकि मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी और मैं अपनी फैमिली के पास खुशी से रहने यहाँ भोपाल चली आई। मुझे विश्वास है वो दोनों भी खुश होंगे। दुख इस बात का है कि राजा मुझे हमेशा के लिए भूल गया, इसलिए मैंने भी कॉन्टेक्ट नहीं किया। यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रही हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न ही राजा की कोई गलती है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने कहा होगा कि मेरे अलावा किसी से रिश्ता मत रखना। एक लड़के के साथ एक लड़की बेस्ट फ्रेंड बनकर क्यों नहीं रह सकती, ये बात राजा नहीं समझ पाया। भले ही वो मुझसे लाख झगड़ा कर ले, मैं उससे झगड़ा कर लूं। वो चाहता तो हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रह सकते थे, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? आज मेरा भी उससे मिलने का दिल कर रहा है। I really miss him. मुझे माफ कर देना जी, मेरी वजह से आपको पुरानी बात याद करके बहुत दुख हुआ होगा। ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ आप भी उसका नंबर है, तो उससे बात करके खुशखबरी दूं क्या? नहीं नहीं, कल ना राजा का बर्थडे है, हम दोनों साथ में जाकर उसे सरप्राइज देंगे। ओके हाँ ओके जी हाँ। अरे हाँ एक बात पूछना भूल गया, पल्लवी को जो मारना चाहते थे वो कौन थे? पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, तो पुलिस ने क्या कहा? वो कौन हो सकते हैं? I don't know. वो किसी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, शायद उसी में से किसी ने उस पर हमला करवाया होगा। ए, हाँ भाई रवि कहाँ रहे? वो अंदर है। रवि तुझे अकल आएगी या नहीं है? आओ भाई। तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा क्या? पुलिस से पंगा, बिना मतलब की मारपीट, काम धंधा छोड़ के ये सब क्या करता रहता है? गधा है तू गधा, कसाई का काम करना है क्या? जब देख किसी को मारता काटता रहता है, ये सब करने की क्या जरूरत है तुझे? वो किकबॉक्सिंग जानता है भाई, इसलिए मुझे पैसे लिए। तुझे कितने दिन हो गए, कब जाके तू अपना मुंह दिखाएगा वहाँ? मैंने सुना है तूने मिनिस्टर का खून किया है, क्यों तू केवल उसका ही काम करेगा? मेरी कोई कीमत नहीं, तुझे यही करना है तो बता दे रवि। तू 10 मांगेगा मैं 50 दूंगा। ये बात नहीं है भाई, मुझे किसी का भी काम लेने से पहले उन दोनों को खत्म करना है। ए हाँ भाई, वहां पर उन दोनों का फोटो रखा है, लाकर जरा भाई को दिखा। सुनिए मेरी माँ मुझे ढूंढकर परेशान हो रही होगी, मैं उन्हें सिर्फ चिट्ठी लिखकर चलाया था। भाई साहब ये मेरी सीट है। शिवा ये हमारी सीट है। मैं किसी को मारने की सोचता हूँ तो सिर्फ उसे नहीं मारता, उसके पूरे परिवार को खत्म कर देता हूँ। आगे की सारी दुश्मनी वहीं खल्लास। पागल है तू, पागल है, दुश्मनी का बीज बोता जा रहा है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। उसका नामो निशान मिटाना है ना। हाँ और कितने आदमी थे उसके साथ? उसके साथ और कोई नहीं था, वो अकेला ही था। वो अकेला और साथ में वो लड़की, उन दोनों की फोटो है क्या? हाँ है। हेलो हाँ बोलो सेठ, ट्रेन अभी तक नहीं आई है। ये दोनों कहीं भी नजर आए तो इनका खेल खत्म करना है। ए शिवा उठो ना, चेन्नई आ गया।
ऐसा क्या? मैं तुरंत वहां पहुंचता हूं। सुनो रवि, सेठ का किसी के साथ लफड़ा हो गया है, मैं जाऊंगा तभी सुलझ पाएगा। हो सकता है आने में 3-4 दिन लग जाए। ठीक है, चलो। जब मैं चेन्नई पहुंचा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि रीमा के मिल जाने से मुझे राजा को ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं दोस्तों के साथ जंगल से घूम फिर कर लौटाता था, चेन्नई वैसा शहर बिल्कुल नहीं था। ए, तुम इधर उधर देखकर क्यों चल रहे हो? वो इतनी भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ ना। ऐसे भीड़ तो अक्सर यहाँ रहती है। यहाँ से, इस तरफ से। ए, शिवा, यहाँ इस तरफ आओ, कम। Excuse me? बोलिए। यहाँ बाजू में एक बिरयानी शॉप थी ना? हाँ थी, लेकिन आजकल वो नहीं है। ओके, ओनर का बेटा वहाँ कहाँ मिलेगा बता सकते हो? पता नहीं, उसे पूछते हुए आजकल बहुत लोग आते हैं। तुम लोग कौन हो? मैं उसकी फ्रेंड हूँ, रीमा। एक मिनट भाई, तुम्हारी फ्रेंड रीमा आई हुई है, फोन उसे देना। ये लो। हाय वहाब, हाउ आर यू? फाइन रीमा। आज तुम्हारे बच्चे का नामकरण है ना? बेटा है या बेटी? ट्विन्स रीमा, और दोनों लड़के हैं। ओ, और नूरी कैसी है? हाँ, वो भी अच्छी है। राजा भी वहाँ आया होगा ना? नहीं तो? तो आने वाला होगा ना? ए, राजा भी वहाँ आने वाला है। ऐसा क्या? प्लीज लाओ, मुझे बात करना है। प्लीज 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 प्लीज। ए ए यू, हम सरप्राइज देने जा रहे हैं, तुम खराब करोगे क्या? इतनी जल्दी क्या है, हम वहाँ जाके बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो 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 प्रॉब्लम। अच्छा ये बता, चेन्नई कब आ रही है? कल राजा का बर्थडे है ना, इसलिए विश करने आ रही हूँ। ए, मैं चेन्नई आई हूँ, ये बात राजा से मत कहना, मुझे उसे सरप्राइज देना और बहुत कुछ दिखाना है। ओके, तुम भी वहीं चले आना, हम लोग वहीं मिलेंगे, ठीक है? देखिए सारे रूम फुल हैं, सिर्फ एक ही रूम खाली जो स्वीट है, वो आपके लिए चलेगा। ओके। स्वीट रूम मतलब? स्वीट रूम में 2 पोर्शन होते हैं, एक बेडरूम और एक हॉल। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए शुक्रिया। बेडरूम? वाओ, यहाँ पर तो टीवी भी है, मुझे यहाँ रहने दो, टीवी देखना है। तुम चाहो तो हॉल में सो सकती हो। अरे रिमोट का, रिमोट का। हमारे गांव में टीवी नहीं है ना, अगर टीवी होता तो ये सब देखते हुए खुशी से रह सकते थे ना, बाहर जंगल में भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेहनत से 4 पैसा कमाओगे तो ये सब खरीद सकते हो, ये लो। तुम भी मेरी माँ जैसे ही बोलती हो। ओ? सुनो। क्या है? अरे जल्दी बाहर आओ। अरे लेकिन क्या हुआ? अरे आओ ना जल्दी। अरे जल्दी बाहर आओ ना। लेकिन किस लिए? जल्दी करो, बाहर आओ। क्या बात है बताओ? बहुत जरूरी बात है, तुम आओ तो। अरे आओ ना, आओ ना, आओ आओ आओ। देखो टीवी पे क्या रहा है। ये दिखाने के लिए इतना अर्जेंट बुलाया? ये तुम क्या कह रही हो, पता है ये देखना कितना मुश्किल है? अरे कभी कभार जंगल के जानवर हमारे गांव में चले आते हैं और तब हम लोग बहुत दूर खड़े होकर डर डर के इन जानवरों को देखते हैं। लेकिन ये लोग इतने नजदीक से कैसे वीडियो बना रहे हैं? ये सारे सीन जूम लेंस से लिए जाते हैं। जूम लेंस मतलब? ये सब इसी वक्त पूछना था क्या? बताओ ना क्या होता है, बताओ ना। शिट, अकल नहीं है क्या तुम्हें? शिवा, खाना तैयार है, जल्दी आओ खाना खा लो। शिवा, मुझसे नाराज हो क्या? सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने माफी मांग ली ना। बहुत अच्छा है ना। तुम मुझसे रूट गई तो लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, मैं बहुत डर गया था पता है। पैरों तले जमीन खिसक गई थी? वो क्या है ना कि मेरी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेसमेंट जरा कमजोर है। टीवी पर देखा था, वो बहुत ही अच्छी कॉमेडी कर रहा था। कौन है वो एक्टर? वड़ी वेलू, बचपन से मैं उन्हें जानती हूँ, तुम नहीं जानते हो क्या? तुम भी ना, मैंने कभी तमिल फिल्म देखी ही नहीं है, हमारे गांव में सिर्फ हिंदी फिल्म चलती है। मुझे कोई तमिल फिल्म दिखाओ ना प्लीज। बाजू में थिएटर है लेकिन कौन सी फिल्म चल रही है पता नहीं। अरे कोई भी फिल्म दिखाओ चलेगा, मुझे तमिल फिल्म देखनी है, चलिए ना प्लीज। चलिए 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 प्लीज। कूल। हे, टिकट मिल गई। अच्छा क्या बात है। आजकल पुरानी फिल्म रिलीज करने का फैशन हो गया है, वो भी हाउसफुल है। मैंने इनका फोटो देखा है, मेरे मामा के घर में है, मैं जानता हूँ। अपन का भाई इसी को ढूंढ रहा है। हे शिवा चलो ना, फिल्म स्टार्ट हो गई, चलो जल्दी। आज इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। देखो आज के बाद कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ बोल भाई, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो आरबी थिएटर में है और उसके साथ में एक लड़की भी है। ठोक दो क्या? नहीं, तुम लोग कुछ मत करना, वो भाग जाएगा, वो जहाँ भी है उसे फॉलो करते रहो, मैं कुछ देर में पहुँच रहा हूँ। भाई एक खुशखबरी है, मैं आके बताता हूँ। सुन रवि, आधे से मैं सेठ का भी काम कर दूंगा।
तुम्हें पता है ये फिल्म जब आई थी ना तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पापा बता रहे थे कि ये फिल्म उसको ये क्या बदतमीजी है। अरे क्या कर रही हो, चलो समझते क्यों हो अपने आप को। अरे भाई साहब ये भाई साहब ये कौन है, समझते क्या अपने आप को। क्या हो गया तुझे। अरे हाय राजा। हाय हाय रीमा। हाय मैं तुम लोगों ने शादी कर ली, मुझे पता था। नहीं मैं वो नहीं हूँ। कितने दिनों बाद मिले। चलो चलो वो तो है। डर गए क्या, इनसे मिलिए। ये है मेरे हस्बैंड। क्या राजा, मेरा फर्स्ट लव। आप ही की तरह बहुत स्वीट है। रुको मैं आती हूँ। मैं करूँ क्या। निकल 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 निकल। मैं संभाल लूँ क्या। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं अपना काम करूँ क्या। हाँ दे दो जोर से। देख यार वो लड़का वहाँ खड़ा है। अबे उंगली मत दिखा, उसने देख लिया तो वो भाग जाएगा। इसे पकड़िए आप प्लीज, संभल के पकड़िए। अरे अरे तुम लोग भाग रहे हो। अरे नहीं देखिए चलो। अरे लुका जा रहे हैं। तूने उसकी तरफ उंगली उठाई इसलिए वो भाग गया समझा। अब भाई आकर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। चल चल। सलाम भाई। कहाँ है, अंदर है क्या। भाई हमसे एक छोटी सी गलती हो गई और उसने हम दोनों को पहचान लिया और वो भाग गया वहाँ से। ये ले, चारों तरफ से ढूंढने के लिए लड़के लगा दो। जैसे ही वो नजर आए तुम फोन करके मुझे खबर कर देना और दोबारा ऐसी गलती ना हो वरना चीर के रख दूंगा। ए शिवा क्या हुआ यार। ए तुम बेकार में डर रहे हो। चुप करो, क्या बोल रही हो। नहीं आएंगे। खिड़कियां बंद कर दो, सब बंद कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो, कितना घबरा रहे हो गए खुश। तुम्हारे साथ तो बाहर जाना भी बेकार है, बिना किसी वजह के लफड़ा हो जाता है। कहीं वो लोग इस होटल तक ना पहुंच जाए। वो लोग यहाँ तक नहीं आएंगे। नहीं बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। हे रिलैक्स यार। ओके लेट्स डू वन थिंग, कल हम लोग राजा को देखने जा रहे हैं। मुझ पर कौन सा ड्रेस अच्छा दिखेगा ये तुम बताओ ना। इंट्रोड्यूस करवाना तुम्हें सपना लग रहा है ना, पर तुमसे ये स्मार्टनेस में दो कदम आगे है। अब इस वक्त यहां कौन आया होगा। ए वहां तुम आओ ना। तुम्हें नींद से डिस्टर्ब तो नहीं ना, किया ना? इसमें डिस्टर्ब वाली कौन सी बात है, आओ बैठो। थैंक्स। फंक्शन कैसा रहा। नाइस, गुड। नाइस था ना। या ए राजा कैसा है। वो भी बस अच्छा ही होगा। ए ये तुम्हारे हाथों में क्या हुआ, पूरा काला पड़ गया है, एक्सीडेंट हुआ था क्या। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कयामत आ गई थी। एक बार राजा मुझसे मिलने आया था और पल्लवी के बारे में बात करने लगा। सच में यार वो मुझसे प्यार करने लगी है। तो चाहे मान या ना मान, जब मैं उसे पुलिस स्टेशन से घर छोड़ने जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। अरे यार पल्लवी का फोन है। हेलो हेलो राजा, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंच सकते हो। रुको मैं अभी आता हूँ यार, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चल जल्दी कर चलते हैं। पल्लवी ने राजा को रेक्सिंग डॉग्स के केम्स हॉस्पिटल में बुलाया था। हेलो, हाँ पल्लवी मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। हे भगवान, हाँ, आ रहा हूँ। आराम से, आराम से। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? यार कौन सा बोर्ड है।
रही है? लेक्चरर ने क्या? भारती जी, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत जोर दे रहे हैं, तो मैंने उनकी बात मान ली, इसलिए मैं संडे को गांव जा रही हूँ। तुम भी चल सकती हो। अरे पल्लवी, लगता है बारिश होने वाली है, बाहर कपड़े पड़े हैं, ला दोगी? ए, ये क्या है, क्या कर रहे हो? तुम कुछ भी कहोगी और हम लोग सुनते रहेंगे। नहीं, छोड़ दो पेट्रोल, आग लगा दो। कोई तो बचाओ। नहीं बचा पाई राजा। इसलिए तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब जो होना था सो हो गया, तुम्हारे रोने से वो लौट कर थोड़ी ना आ जाएंगे। नहीं, मुझसे नहीं सहा जा रहा, आज नहीं तो कल वो मुझे मार ही देंगे। सुनो, ऐसी बेकार की बातें मत करो, पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे दिया ना, वो सब कुछ संभालेंगे। पुलिस उन लोगों का कुछ नहीं कर पाएगी, मैंने भी उन लोगों के खिलाफ आर्टिकल लिखा था, वो लोग ढूंढते ढूंढते हमारे पास जरूर पहुँच जाएंगे। ये क्या कह रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बताओ, तुम सोशल वर्कर कामराज जी से कभी मिले हो क्या? मैं उनसे फेस टू फेस नहीं मिला, कभी कभार न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर में उनके बारे में पढ़ा है। वो एक बुजुर्ग इंसान होने के बावजूद अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहते थे, और उसी आवाज़ ने उनकी जान ले ली। कामराज जी ठीक से चल भी नहीं पाते थे, और उसके बावजूद बहुत से अच्छे काम किए और लड़ते रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स असामाजिक तत्वों के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे। एक मशहूर विदेशी कंपनी ट्रांसमोडिया की इंडिया में भी एक ब्रांच है, उसके खिलाफ भी उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। पैसा, अधिकार और हथियारों के बल पर उसका केयरटेकर एसीबी मुट्टू, जो उसका मालिक भी है, उसका हर काम इल्लीगल तरीके से ही होता है। जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो उसे मार देता है, और उनके सबसे बड़े दुश्मन थे कामराज। अमेरिका में सन 1980 में हजारों की तादाद में लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, देश से बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें बहुत बुरी तरह से तकलीफ भी पहुंचाई गई, मजदूरों को उनकी मजदूरी तक नहीं दी गई। 10 सालों से वही जहरीला सोयाबीन हमारे देश में बोया जा रहा है और हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, और इसके खिलाफ हमारे देश के नौजवानों ने आवाज उठाई, और इसमें रशिया ने भी हमारा सहयोग दिया। उसी की वजह से हमारे देश के हजारों लोगों की ऐसी दुर्दशा हुई है। कई देशों ने तो इस बीटी नाम के जहर को बोना ही छोड़ दिया है, लेकिन ये बीटी नाम का जहर क्या है, इस बात का बिना पता लगाए लोग बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी रोकथाम की जाए, और यही समझाने के लिए मैं आया हूँ, और चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल बंद हो जाए। इस जहर को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो सकता है कि कुछ सालों तक यहाँ फसल बहुत अच्छी हो और पैसे भी ज्यादा मिले, और हो सकता है कि बिजनेस भी बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद हमारी जमीन बंजर हो जाएगी और सारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी। इससे बड़ी कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। हमें उसी खाद और पुराने बीजों का इस्तेमाल करना है जो हम अब तक करते आए हैं। बीटी का अगर हमने इस्तेमाल किया तो सिर्फ गांव की ही नहीं, पूरे देश की जमीन धीरे धीरे बंजर होती चली जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर बीटी कंपनी वालों के आगे हाथ फैलाओगे तो भीख तक नहीं देंगे। पुरानी खाद से उपजी हुई खेती भले ही हमें लाभ कम दे, लेकिन बीटी के इस्तेमाल से हमें सिर्फ नुकसान होगा। आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब, सभी राज्यों ने इसका अंजाम देख लिया। क्या मिला उन्हें? बंजर जमीन। बीटी के उपयोग से पहले जितनी पैदावार थी आज उससे 5 गुना कम है। इस बीटी नाम के जहर से आज हमारा देश बर्बादी के कगार पे खड़ा है, चाहे वो अनाज हो, चाहे सब्जी भाजी या किसी तरह का फल। इससे बर्बाद होने वाले किसानों की तादाद 2 लाख से ज्यादा है, लेकिन बीटी वालों ने हमें बर्बाद करके 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं। जब हमारे माँ बाप बाजार से हमारे लिए कुछ खरीद कर लाते हैं तो उसमें से आधे से ज्यादा में तो जहर होता है। उसे खाने के बाद आज की हमारी जनरेशन 10 साल के बाद ही बूढ़ी दिखने लगेगी। इस तरह के कई उदाहरण हमारे देश में मौजूद है, क्योंकि हमारे देश की जनता को इसकी सही जानकारी नहीं है। हमारे ही देश के कुछ गद्दार अमेरिका में बैठकर वहां से उस जहर को यहां हमारे देश में लाकर यहां के बच्चों को धीरे धीरे उसका शिकार बनाते जा रहे हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अंदर ये जहर फैलेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहर को उगाने के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, तो सारी फसल में सिर्फ जहर ही पैदा होगा। आजकल सिर्फ खाने पीने की चीजों में ही नहीं, पेड़ पौधों के जरिए वो जहर हवाओं के माध्यम से हमारी सांसों में जाकर हमें धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर रामनाथपुरम, वेलूर, धर्मापुरी, ममटा गाँव ये पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। खेती करने के बाद यहाँ फसल उगती नहीं है, वहाँ की जमीन देखने में वैसी ही है लेकिन उसकी मिट्टी जहरीली हो चुकी है।
आजकल तो खुद अमेरिका ने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसलिए इस जहर का इस्तेमाल हम लोगों को भी पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। ये सच्चाई हमें सबको बतानी चाहिए। लेकिन नेता लोग आजकल की नई जनरेशन के आंदोलनों पर कहां ध्यान देते हैं? हम लोग जब भी आवाज उठाते हैं वो लोग हमें जोर जबरदस्ती से रुकवा देते हैं। भोपाल गैस कांड में क्या हुआ था अगर तुम्हें नहीं पता तो अपनी फ्रेंड रीमा से पूछो। यूनियन कार्बोरेट फैक्ट्री में जब जहरीली गैस का रिसाव हुआ था तब 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 3,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। ये तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उसी का दूसरा रूप है, ये उससे भी खतरनाक है और उसे कोई नहीं बच तो पाएगा। इसके खिलाफ कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा? ये बड़े लोगों का काम है और वही जाने। धान की खेती, गेहूं, गन्ना, टमाटर, बैंगन और न जाने कितनी सब्जियों पर इस जहर का इस्तेमाल होता है। ये जहर है ये जानने के बाद भी इसकी फैक्ट्री में करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं और उन्हें ट्रांसमोडिया नाम की विदेशी कंपनी से फाइनेंस मिलता है। वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे देश की मिट्टी को ही नहीं हमारे नौजवानों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और तब उनकी कंपनी को नुकसान होता हुआ देखकर उन्होंने हमारे साथियों को मारना शुरू कर दिया और कई बार हमें भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। जो डेवलप कंट्रीज है वो हमेशा दूसरी डेवलप हो रही कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। वो हर काम हथियारों के बल पर ही करना चाहती हैं। इन सब के खिलाफ हमारे नेता कामराज जी अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे देश की जनता को गांव-गांव में जाकर सावधान करते थे और उनमें जागरूकता फैला रहे थे और उनके बुरे विचारों से उनको बचाना चाहते थे। हमें इसके खिलाफ लड़ना है, तुम लोग तैयार हो ना? विदेशी जहरीली कंपनी के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए और हमें इस जहर को देश से बाहर फेंको। जब तक उनकी सांस रही वो जनता की भलाई के लिए लड़ते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके बाद मैं हर क्लास में जाकर इसी विषय पर चर्चा करने लगी। पुलिस का ऐसा मानना था कि उन्होंने सुसाइड किया है लेकिन हम सभी के दिलों में एक बात का शक था। मैम मुझे एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैम उनके हिसाब से अगर वो सुसाइड करते तो अपना राइट हैंड काटते क्योंकि वो एक लेफ्ट हैंडी थे लेकिन उनकी लेफ्ट हैंड कटी हुई थी। दिस इज अ मर्डर। गुड पॉइंट। जिस तरीके से हमने इस बात को प्रूव किया उस मैटर के बारे में हमें एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। मैम को लगा कि कामराज जी के मर्डर के पीछे ACP मुट्टू का ही हाथ है। इसके कुछ एविडेंस के साथ कुछ लॉ पॉइंट को रखकर हमने एक PCC तैयार की। मैम मैंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। फाइल बनाकर दे देना, मैं बाद में पढ़ूंगी। You have done a very good job. Thank you, ma'am. इसे मैंने पढ़ लिया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक ये केस को हम रीओपन करते हैं तो सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। इसकी कॉपी हम CID ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके एक हफ्ते बाद ही कंपनी वालों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहाँ से हम किसी तरह तो बच निकले लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी मैम को जलाकर मार डाला। अब वो लोग मुझे भी चांस से मार देंगे। मैंने जो कुछ भी कहा पता नहीं तुम लोगों की समझ में आया या नहीं। तुम लोग हो IT स्टूडेंट्स, सोच रहे होंगे कि अमेरिका जाकर सेटल हो जाएंगे या कोई अच्छी अमेरिकन कंपनी में नौकरी कर लेंगे लेकिन हमारे गांव की हकीकत के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है और तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं पा रही। मुझे तुम्हारी सारी बातें। तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? सर 2 मिनट। चलो, सर 2 मिनट। थैंक यू सर। अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में जॉब करते हैं, उनसे सारी बातें पता करके हम लोग कलेक्टर से मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ पल्लवी। अब हर कदम पे तुम्हारे लिए खतरा है, वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अपने घर मत जाओ। और मेरे माँ पापा? वो देखो वही लोग हैं। हाँ वही हैं। तुम लोगों को ये एड्रेस तो यहाँ से तीसरी गली से लेफ्ट जाकर दूसरी गली से राइट में मिलेगा। हम लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते। उस रास्ते से जा सकते? हाँ, जा सकते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को वहाँ से निकलना होगा। वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? कह देना कॉलेज में स्टूडेंट से झगड़ा हो गया है और आसपास के लोगों से कहना कि हम लोग मार्केट जा रहे हैं और हाथ में थैला भी ले आना। ओके ओके। यहाँ से तुम्हारे घर जा सकते हैं? यहाँ से जाना होगा। इस रोड से चले, ये रास्ता नजदीक है। ठीक है, तुम जल्दी घर जाओ। चलो चलो चलो। भाई लोग इतनी रात को कहाँ पे? हम रास्ता भटक गए, दूसरी गली में जाना था। सेकंड राइट में जाके थर्ड लेफ्ट। अरे यार, उसने तीसरे लेफ्ट से जाकर दूसरा राइट जाने के लिए कहा था। शराबी था, लेफ्ट को राइट बोल दिया होगा। ये क्या तुम लोग लेफ्ट राइट कर रहे हो? सेकंड राइट में जाके थर्ड लेफ्ट ले लो ना। ठीक है चलो। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? आगे रास्ता नहीं है भाई, रास्ता खत्म हो रहा है यहाँ से। वो शराबी ने बिल्कुल सही कहा था, वो ऑटो वाले लड़के ने हमें झूठ बोलकर गुमराह किया। चला जा। चलो बिटिया,
इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रहे हैं। भाई यहाँ तो ताला बंद है, लगता है निकल गए। भाई ये सब लोग कहाँ गए? मुझसे तो कहा कि वो लोग मार्केट जा रहे हैं। चलो चलो, चलो, चलो। पापा जी मेरा फ्रेंड है राजा, वही ना जिसे होटल में मिलवाया था। कॉलेज में कुछ गड़बड़ हुई है क्या बेटा? ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, छोटा मोटा लफड़ा हुआ है, मेरे दोस्तों ने ऐसा बोला है। सुनो, जहाँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ वहीं चलते हैं, वो जगह सुरक्षित रहेगी। हाँ ठीक है, चलिए आइए। इस तरफ से चलो बेटा। नहीं उस तरफ से नहीं, इस तरफ से। अच्छा ठीक है, आइए। यहाँ पर कहीं नहीं है, लगता है वो भाग गए। पहले चल के उस ऑटो वाले को ढूंढते हैं, चलो। हाँ उन लोगों ने मुझसे पता पूछा, मैंने एड्रेस तो बिल्कुल सही बताया। क्वार्टर के लिए कुछ दो ना, कम से कम माचिस ही थे तो, वो भी नहीं है क्या? तुम पुलिस वाले हो क्या? तुम्हारे बालों की कटिंग वैसी है। क्या हुआ, एड्रेस पे वो लोग मिल गए ना? शराब पीने के बाद आदमी सच बोलता है। सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे हम तो पीना छोड़ देंगे, लेकिन पहले बनाने वाले तो बंद कर दे। अरे तुम लोग चुपचाप क्यों भाई, कुछ बोलो ना। ए राजा। हाँ ऑटो रुको, ऑटो को पिक। हाँ ठीक है भाई, कितना हुआ? 35 रुपए। तुमने हमें यहाँ क्यों उतार दिया, और भी आगे जाना? यहाँ से लोकल ऑटो पकड़ कर जाइए। यार ऑटो बुलाओ। ठीक है, आप इसके साथ जाइए। कौन है? आप लोग यहाँ रुकेंगे? अगर पहले से पता होता तो मैं होटल में कमरा बुक करवा देता। तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो बेटा, ये बिल्डिंग मेरे पहचान वालों की है, हम लोग यहीं रुक जाएंगे। वो तो ठीक है, पर आइए भैया, आइए। तुम्हारा आदमी कहाँ गया? अभी वो दारू पीने के लिए गए हैं, आने में देर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज रात हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, मालिक से मैं बात कर लूंगा, आ जाओ बेटा। आप लोग यहीं काम करते हैं और यहीं रहेंगे तो कोई तकलीफ तो नहीं? क्या कह रहे हो बेटा, हम जैसे मजदूरों के लिए तो ये आम बात है। मेरी बच्ची को जब नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग अपना घर खरीद लेंगे, तब तक यही सही। माँ तो क्या हुआ, ये कोई पराया थोड़ी है। ए पल्लवी, रात को मैं पापा से बात कर लूंगा, कल सुबह हम लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। बाबूजी अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। पापा आओ। राजा पापा, कल रात मेरी आपसे बात हुई थी, ये मेरी फ्रेंड पल्लवी है, लॉ कॉलेज की स्टूडेंट। मैंने कलेक्टर के पीए से फोन पे डिटेल में बात कर ली है बेटा, अभी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, कलेक्टर का अपॉइंटमेंट मिलते ही हम उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है पापा। गोपी। बोलिए भाई साहब। ये मेरा बेटा है। जानता हूँ भाई साहब, कैसे हो बेटा? तुम्हारे पापा ने सारी बात बता दी है, कलेक्टर साहब कुछ फाइल देख रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तुम लोग वेट करो, ये सब संभाल लेंगे। ठीक है पापा, आओ यहाँ बैठते हैं। सर मैंने कहा था ना, ये ड्राइवर राजेंद्र जी का बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, बाद में मिलता हूँ सर। मैं से बात करता हूँ सर। सर ने क्या कहा? मैंने सारी बातें उन्हें समझा दी हैं, मुझे लगता है वो तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, देखते हैं। पल्लवी तुम कोर्ट तक अकेले होके आओगी क्या? हाँ मैं जाकर आ जाऊंगी। मैं ऑफिस जाकर छुट्टी लेकर आता हूँ। शांत हो जाइए सभी लोग, शांत हो जाइए। आप लोगों के चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें अपना काम करने दीजिए। इस केस का हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे, गुनहगार को हम जल्द से जल्द हथकड़ी पहनाएंगे। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस केस की हम गहन जांच कर रहे हैं। ये हादसा क्यों हुआ ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, डिपार्टमेंट पर भरोसा रखिए। बिना पुलिस परमिशन के आप लोगों ने मोर्चा निकाला, ये बात ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग गलत कदम उठाओ, इससे तुम लोगों का लाइसेंस रद्द हो सकता है। एक बात ध्यान रखो सर, इतने सालों तक उस लेक्चरर ने शादी नहीं की थी, अब जाकर हाँ की थी उसने। उनकी सारी एक्टिविटीज इलीगल काम करने वालों के खिलाफ थी। अब वो जिससे शादी करने वाली थी वो पहले से शादीशुदा था। तुम्हें बताओ इंस्पेक्टर, इसके पीछे कोई राज है या नहीं? मुझे नहीं लगता कि केस की इंक्वायरी ठीक से हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कमिश्नर बहुत ही अच्छे इंसान है, हमें उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। उनके अच्छे कामों के बारे में हमने कई बार पेपर में भी पढ़ा है। पेपर की सारी बातें सच नहीं होती। देखो तुम चिंता मत करो, मान लो कमिश्नर ने सही काम नहीं किए तो क्या लॉ के स्टूडेंट्स चुप रहेंगे? शहर में जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले लॉ के स्टूडेंट्स ही मैदान में कूदते हैं, क्योंकि ये कानून से संबंधित होती है। वो हमारे साथ है ना,
तुम्हें मुझसे कहा था कि इस बात को हम लॉ के स्टूडेंट्स के पास ले जाएंगे तो वो जरूर हमारा साथ देंगे। ऐसा नहीं होगा, इस कॉलेज में हर जाति और धर्म के लोग पढ़ते हैं। अगर इसे हम पर्सनल तरीके से लेते हैं तो ये मुद्दा एक अलग ही रूप ले लेगा। तभी ये केस मर्डर केस ना रह के कोई और ही रूप ले लेगा। बात बिगड़ सकती है और मीडिया भी उसे अलग तरीके से उछाल सकती है। मीडिया को तो एक मुद्दा मिल जाएगा और उसके बाद इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचने की जरूरत नहीं है, कल हम कलेक्टर से बात कर लेंगे। मेरे पापा भी उनसे बात करेंगे, वो उनसे बात करके सब सही कर देंगे। ये देखो पापा का फोन भी आ गया, मैं स्पीकर ऑन करके बात करता हूँ। हाँ पापा बोलिए। बेटा वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं है ना? पापा मैं चाहता हूँ आइंदा उस लड़की से कोई संबंध मत रखो, वरना उसका टेंशन तुम्हारे सर पर आ जाएगा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? देखो बेटा मैंने कलेक्टर साहब से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि तुम्हें उस लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कलेक्टर का कहना है कि वो लड़की दूसरों के कामों में हद से ज्यादा टांग अड़ाती है, तुम इन सबसे दूर ही रहो तो अच्छा है, क्योंकि सामने वाले कोई मामूली इंसान नहीं है। पापा उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। देखिए पापा वो तुम बेकार में बहस मत करो, मैं कह रहा हूँ ना उस लड़की का साथ छोड़ दो, उसने जो किया उसे भुगत दे दो। घर में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब से ये प्रॉब्लम की बात सुनिए सब लोग परेशान हो गए, फौरन खड़े हो। देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, बात मानो और फौरन घर चले आओ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। हाँ ठीक है पापा। पल्लवी तुम यहाँ से चले जाओ राजा। ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना तुम जाओ। देखो पल्लवी तुम समझ नहीं रही हो, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाथ में छोड़ दो, जाओ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, फोन का सिग्नल नहीं मिल रहा है इसलिए मैं। ये क्या पल्लवी, तुमने खुद कहा था ना कि तुम्हारे माता पिता को पता नहीं चलना चाहिए और तुम खुद ऐसा कह रही हो। तुम यहाँ से चले जाओ राजा प्लीज। तुम साथ थे तो मैं कंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मेरी वजह से आज तुम भी मुसीबत में हो। मैं तुम्हारे बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, मैं हार गई हूँ। जो कोई भी मेरा साथ देता है मुसीबत में पड़ जाता है। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चले जाओ भगवान के लिए, चले जाओ। तुम मुझे इतना चाहते हो और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? ये बात तुम खुशी खुशी मुझसे कहती तो मैं हंसते हंसते यहाँ से चला जाता पल्लवी, लेकिन तुम्हें आज इतने दुख और तकलीफ में छोड़कर मैं भला कैसे जा सकता हूँ? ऐसे में अगर तुम्हें छोड़कर चला गया तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं जानता हूँ मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम सेफ हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। कोई मैसेज मिला क्या? मैडम मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। अंदर फर्स्ट टेबल पे जाके पूछो। ठीक है चलो। सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। सर सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है। ऐसे कोई नहीं मिल सकता उनसे। सर उनसे एक जरूरी बात करनी है सर। कोई भी ऐरा गैरा ऐसे आके उनसे नहीं मिल सकता, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यही प्रोसीजर है। सर ये लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, इनको लेक्चरर मर्डर केस के बारे में कमिश्नर साहब से बात करनी है। वो केस तो कोर्ट में पहुंच चुका है ना, तो उनसे मिलके अब क्या बात करोगे? सर इसने खून होते हुए अपनी आंखों से देखा है सर। चश्मदीद गवाह। हाँ। तुम्हें जो भी कहना है इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर से जाके कहो, वो डिटेल्स तैयार करके कमिश्नर साहब के पास पहुंचा देंगे। सर कमिश्नर साहब से मिलकर उनसे कुछ खास बात करनी है सर। ए, सुनाई नहीं देता क्या? उसने कह दिया ना तो जाता क्यों नहीं है? चल जाओ यहाँ से। सर कमिश्नर साहब से मिले बिना हम नहीं जाएंगे सर। क्या कर लेगा रे, क्या कर लेगा? सर आप जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। तुम यहाँ लफड़ा करने आए? सर हम लफड़ा करने नहीं आए हैं, ये लड़की कमिश्नर साहब से मर्डर केस के बारे में बात करना चाहती है। बात करना क्या बात करना है तुम्हें? ए कुमार पंड्या निकालो इसे यहाँ से। ओ तो तुम लोग यही ड्यूटी करते हो यहाँ? हिम्मत वाले हो तुम, लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं मैं। आज से 20 साल पहले जो एक जेब कतरा था वो आज इस पूरे शहर पे राज करता है। तुम लोगों के कहने के मुताबिक कामराज के केस को रीओपन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, वो सबको फिर से खरीद लेगा, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है।
जितना आप उसके बारे में समझ रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने अपनों तक का खून किया है। उसे छेड़ना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने शोले फिल्म देखी है क्या? सर, उसमें गब्बर का कैरेक्टर तो देखा ही होगा। वो उस कैरेक्टर को अपना रोल मॉडल मानता है। किसी का भी खून करने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती। उसे चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। विकास सावंत, जरा अंदर आओ। सर, मुझे आप पर विश्वास है सर। ओके ओके बेटा, तुमने जो सबूत तैयार किए हैं उसकी एक कॉपी मुझे दो। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सर, ओके सर। देखो, इस लड़की को आर्म सिक्योरिटी की जरूरत है। अपने साथ हमेशा एक गन रखो। कोशिश करना कि उसका इस्तेमाल ना हो, नहीं तो ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जाकर अपना चार्ज दे दो। ओके सर। तुम्हें अलर्ट रहना होगा, सामने वाला बहुत खतरनाक है। ओके सर। देखो बेटा, मैं अपने रिस्क पे ये सारा इंतजाम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शिकायत का मौका नहीं दोगी। देखते हैं, लेट्स ट्राई। उसे देख, पक्का वही है लड़का। क्या हुआ भाई? जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गया। ए, बताओ कहाँ है? रेलवे ट्रैक के पास से गुजरा है भाई। फॉलो करते रहो, उस पर नजर रखो, मैं फौरन आ रहा हूँ। फायरिंग ऑर्डर मिले हुए हैं, लफड़ा मत करना भाई। क्या रे? पुलिस बीच में आ गई है। अरे वो तो हमारे टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। पहले उन दोनों को खत्म करो, उसके बाद पुलिस को भी मार देना। फुनक हवलदार साहब, ये पेचीदा मैटर है, बीच में टांग मत अड़ाइए। जाइए यहाँ से, मारो इसको। उसे भी मार। पकड़ उसको, भाग ले ना। भास्कर शायद उस लड़की को जानता है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ सर, उसके लिए मैंने अपने दिल में ताजमहल बनाया है। लेकिन उसके माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते सर, और मुझे उस लड़की से मिलने भी नहीं देते हैं सर। आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना, आपका बहुत एहसान होगा सर। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तुम बेकार में रो रही हो, मुझे कमिश्नर साहब पर पूरा भरोसा है। ओके, लड़का चाहिए कि लड़की? मुझे लड़का चाहिए। जी देखिए तो कौन आया है। चलो आओ आओ आओ, चलो 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 जल्दी चलो। अरे वहां चलो, तुमने कुछ खाया भी नहीं। हाँ, तुम चलो, आधे रास्ते से वापस जाने को कह रहे हो। अरे चलो, मैं बाद में बताता हूँ। तो
तुम लोग कुछ नहीं बताओगे। हम नहीं बताएंगे। उसे कैसे बुलाना है हमें मालूम है। ए, डालो रे। ऐसा मत करो। ऑटो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम पहले बैठो, मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हैं? चलो, 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 समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसे घर छोड़ देना, रास्ता ये बता देगी। प्रेग्नेंट है, जरा संभल लेना। ये तुम रखो और संभल कर जाना, मैं घर पे जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। बॉडी के लिए वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, चारों तरफ नजर रखो। ओके भाई। अरे भाई ये क्या हुआ? फोन आया, वहाब का है। वहाब क्या बात है? पल्लवी के माँ बाप को जिंदा जला दिया है। ओह माय गॉड, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। 90% तो चल चुके हैं, पता नहीं बच पाएंगे या नहीं। तुम पल्लवी को लेकर हॉस्पिटल आ जाना, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। ये क्या हो गया? कुछ नहीं, बस चलो। वह आपने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसने कहा कि उसकी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। वह आपने क्या कहा? वो क्या है कि बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी उन लोगों ने तुम्हारे मम्मी डैडी को वह उन्हें हॉस्पिटल लेके आया, उसने वहीं बुलाया। ये उन्हीं का काम है। अपने आप को संभालो पल्लवी, चलो अब चलते हैं। मुझे उन्हें देखना है। पल्लवी तुम, अगर वो तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम देखने नहीं जाते? क्या जानते हो? कुछ जानकारी है तुम्हारे पास? उनका कोई रिश्तेदार है? हाँ, एक लड़की है साहब। उस लड़की को जानते हो? जी हाँ, मैं जानता हूँ। इसने उन दोनों को जलते हुए देखा था और उन्हें जाकर बचाने की कोशिश की। बहुत हिम्मत का काम है ये। शक्ल देखो इसकी और बताओ इसको जानते हो? नहीं सर, इसे नहीं जानता। ये जरूर कोई पुरानी रंजिश है, इसलिए दोनों को जला के मारने की कोशिश की। साहब वो जले हुए दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। अरे वो रहा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, भाग ना जाए, जल्दी करो, जल्दी करो। क्यों रो रही है? पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी, 2000 रुपया रेडी रखना। पल्लवी यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, चलो चलो यहाँ से। मैं अपने माँ बाप को इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ राजा? मैं किसके लिए जीऊँ? तुम्हें मेरे लिए जीना होगा पल्लवी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे हैं, उन्हें तुम्हें पूरा करना है। तुम मर गई तो उनके सपनों को कौन पूरा करेगा? इन तकलीफों को पार करके तुम्हें जीना होगा पल्लवी। चलो पल्लवी, चलो यहाँ से, चलो चलो। ए, देखो वो रहा, पकड़ो से, चलो भागो यहाँ से, चलो जल्दी आओ। Oh, my God.
क्या कह रही हो? मैं इनका साथ नहीं दूंगा तो और कौन देगा? वह भी जो कह रही है सही कह रही है। इसका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुझे अगर कुछ हो गया तो इसका क्या होगा? अरे नहीं यार, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे इतना बड़ा लफड़ा हुआ है, तुम्हारा साथ नहीं दूं तो क्या चुपचाप बैठा रहूं? तुम किसी लड़की के लिए अपनी जान गवाओगे क्या? मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम इसके लिए अपनी जान गवाना चाहते हो तो इसी के साथ रहो। नहीं यार, अगर तू हमारे साथ रहेगा तो तुझ पे भी मुसीबत आएगी। नहीं यार, देख मुझे पता है तूने मुश्किल वक्त में हमेशा मेरा साथ दिया है। हॉस्पिटल से बॉडी निकाल कर दफना दिया, ये बात किसी को न पता चले। अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना तो भी मैं किसी से नहीं कहने वाला। थैंक्स यार, हम लोग चलते हैं। ए राजा, मेरी बात का तुम बुरा मत मानना। इट्स ओके, आज के बाद तुम लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। चलो वही हमारी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को फोन तक नहीं कर पाए। तुम अपने आप को दोस्त कहते हो, उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? एटलीस्ट मुझे फोन करके बता सकते थे ना। उसने मुझे कसम दी थी कि इस बात के बारे में तो किसी को भी मत बताना। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, जरा सा भी दोस्ती का एहसास नहीं। इसमें मेरी गलती नहीं है, उस लड़की के साथ पागलों जैसा घूमने से उसका यह हाल हुआ है। मैं भी उसे बहुत मिस करता हूँ। हेलो। हेलो, मैं शिवा बोल रहा हूँ। तुम जैसी लड़कियों के साथ घूमो तो गुंडे पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं अकेला ही आ गया। ए, तुम अकेले कहीं मत घूमना, सीधे चुपचाप घर पर आ जाओ। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी माँ को तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी लगी, पता है? शिवा वो सब रहने दो, यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है, तुम घर पर आ जाओ। सामने वाली खिड़की में एक लड़की खड़ी है, दिखने में तो बहुत ही अच्छी है। मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, ठीक है? ओके बाय। हेलो, क्या हुआ रीमा, किसका फोन है? राजा की जैसा ही एक लड़का है, वो भी राजा की तरह कुछ नौटंकी करने जा रहा है, जल्दी चलो चलो। यह है वहाँ। चले जाओ। क्यों, यहाँ रहकर इस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सकता क्या? क्या जंगल राज है क्या कि कोई यहाँ किसी को काट कर फेंक देगा? बाइक पे वही था भाई, तुम्हारे साथी शंकर सुब्रमण्यम, वो आर्मी में है ना, उनसे कह दूंगा वो इन्हें भून कर रख देंगे। अरे बेकार की बहसबाजी मत करो, फौरन अपने गाँव चले जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। वो लोग बेगुनाहों को मारते रहे और हम लोग चुपचाप खड़े देखते रहे, ये तो बहुत गलत बात है। बेचारा राजा होता तो मैं उससे मिल लेता और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ पे होगा। मैं राजा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। Let's do one thing. राजा कुछ दिन तक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, हो सकता है वो अपना बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कर रहा हो। हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें जरूर मिलेगा। चलो बैठो चलते हैं। हाँ। आओ रीमा। हे, मुझे भी साथ ले चलो। हाँ बोलो। फॉलो करके देखो वो कहाँ जा रहा है। वो लड़का मेरे सामने है, वो इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है भाई। वहीं रुको, 10 मिनट में पहुंचता हूँ। भाई भाई क्या है? वो लड़का मिल गया, जल्दी आओ। मिल गया क्या? हाँ भाई। ए, मैं टॉयलेट में फंसा हूँ, यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा है। राजा समझकर वो मुझे मार डालेंगे, ये सोचकर ये लोग बहुत डर रहे हैं। राजा जैसे अच्छे इंसान के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई। तुमने डॉक्टर दया को फोन करके बात की थी? हाँ। डॉक्टर काफी देर से इंतजार कर रही है, आपके पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हम आते हैं। मुझे एक पेशेंट से मिलना है। यहाँ जेंट्स की एंट्री नहीं है, आप जानती है ना सिस्टर, ये उनकी खास जानने वाले हैं। कोई एक अंदर आ सकता है। हा? जल्दी से जाकर मिलाइए। चलिए। ए मैडम, सेलफोन अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ रख दो। हाँ जाओ। जेंट्स को अंदर मत ले जाओ, कुछ पेशेंट इन पर हमला कर सकते हैं। चलो चलो, आप भी आ जाइए। Thank you.
जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। ओके। मैं राजा बोल रहा हूँ। बोलो राजा, कैसे हो तुम? डॉक्टर, क्या आप मेरी छोटी सी मदद कर सकते हैं? बोलो ना, क्या मदद करनी है, कहो ना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसकी जान को गुंडों से बहुत खतरा है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ दिन के लिए आप उसे अपनी पेशेंट बनाकर अपने हॉस्पिटल में रख सकती हैं। अरे वहाँ क्यों, मैं उसे अपने घर में रख लूंगी। नहीं नहीं नहीं, घर भी सेफ जगह नहीं है, यहाँ आप पर भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दुश्मन की पहुँच बहुत ऊपर तक है, वो वहाँ तक भी आ जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल ही सबसे सही जगह है। ओके, नो प्रॉब्लम। टू वन थिंग, तुम उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? जल्दी आ जाओ। हाँ, सुना ना तुमने? थैंक यू, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम बाइक से आ रहे हैं। हेलो, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ बेटा। ये मेरे हस्बैंड हैं। ओ हेलो सर। ये भी एक डॉक्टर है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ। डॉक्टर, मैं आ जाऊंगा। हाँ, हाँ, बैठ जाओ। जाओ ना, मेरी फिक्र मत करो, जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगा। ओके राजा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, सी यू। Papa!
पापा। अब मैं नहीं बचूंगा बेटे। पापा! ए! पापा! पापा! के सिर पे चोट लगने की वजह से 20% ब्रेन सेल्स ब्रेक हो चुकी हैं। ये डैमेज हुई सेल्स फिर से रीडेवलप होंगी, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। अगर डैमेज हुई सेल्स में मेमोरी वाली सेल्स नहीं है तो वो ठीक हो सकता है, और ये सब हमें जांच के बाद ही पता चलेगा। अगर मेमोरी सेल्स डैमेज हुई तो उसे मेमोरी लॉस हो सकता है। मेडिकल साइंस में जितना पॉसिबल होगा उतनी मैं कोशिश करूंगा। डॉक्टर, वो मुझे भी भूल जाएगा क्या? सुनिए सुनिए जी, राजा यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया? सिर्फ अपने बचपन की ही बातें याद है। बचपन की तरह आज भी स्कूल जाने की जिद करता है। ये सोचता है ये यहीं पैदा हुआ और पला बड़ा है, इसलिए इसका हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। भैया, तुम एक एक्स मिलिट्री मैन की बीवी हो, ऐसी बात मत करो, डरो मत। अगर तुम चाहो तो मैं उनपे एक्शन ले सकता हूं। करने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा बस मेरी आँखों के सामने रहे। अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये यहाँ है तो वो लोग यहाँ आकर इसकी जान भी ले सकते हैं। भैया राजा, यहाँ पर तेरी जान को खतरा है, इस बात का मुझे डर है। तू मेरे साथ चल बेटा, तेरे पिताजी को खोने का दर्द मैं अभी तक भुला नहीं पाई बेटा। नहीं राजा, अगर तू यहाँ रहेगा तो वो लोग तुझे मार डालेंगे।
माँ खड़ा है क्या? मरेगा, मरेगा ये, मरेगा, मरेगा। राजू, राजू। क्या ये? प्यार व्यार हो गया क्या? राजू, राजू। आज ये खेल खत्म करना ही होगा। मर जा, मर जा, मर जा। मार क्यों नहीं जाती? जिस किसी की मौत आती है उसकी मति मारी जाती है। ए, तमाशा क्या देख रहे हो? गेट पे जाके सबको रोको, कोई गवाह नहीं होना चाहिए। जाओ। तेरी तो।
लेना चाहिए। तुझे गिरफ्तार कर लेंगे, मत मार, इसे छोड़ दे। रामचंद्र देखो जिंदा है या मर गया? डॉक्टर आइए सर। देखो ये जिंदा है क्या? सर ये दोनों मर चुके हैं। डॉक्टर सर इनको पुलिस स्टेशन ले जाकर कंप्लेंट लिखवा दीजिए। ओके सर। हॉस्पिटल में घुसकर पागल पेशेंट्स को मारने की कोशिश की ये दर्ज कीजिएगा। तारीख 2 दिन पहले के डालिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। उस हादसे की वजह से पल्लवी के दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया था, अब राजा उसे मिल गया है, उम्मीद है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारे साथ रहती हूँ तो कंफर्टेबल फील करती हूँ, अकेले में दिल बहुत घबराता है। राजा पर इतना बड़ा तूफान उस पल्लवी की वजह से आया था ये मैं जानती हूँ, उसके बावजूद भी मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो इससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। देखो मैं I'm sorry. Hey, it's okay. You're my best friend. Hey, वाह! तुम्हें ट्विंस पैदा हुए थे ना? हाँ रीमा। एक का नाम राजा रखना और दूसरे का? उसका नाम मेरे घरवाली ने रखा है। हाँ, क्या नाम रखा है? नाम है बियर मोहम्मद। बियर? ये कैसा नाम है? Hey, बियर तो भूल गया क्या? कोई बात नहीं, फिर मिलना समझा दूंगा। अच्छा हुआ ये भूल गया। रीमा ट्रेन छूटने वाली है। ओके बाय पल्लवी, टेक केयर। अब तुम हमेशा खुश रहना। ओके बाय 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 रीमा। ए रीमा फोन करती रहना, कॉलेज में जो हमने मस्ती की थी उसे याद दिलाती रहना। ओके बाय, टेक केयर। अब मुझे दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा। पल्लवी के माता पिता के सपनों को हमें हर हाल में पूरा करना होगा। उसे एक अच्छा वकील बनाना होगा। इसके पहले मैं क्या था, मैं ऐसा क्यों बन गया, मुझे ये जानना है ताकि मैं फिर से वही राजा बन सकूं।